नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड चेल्सी। आप सभी लोगों का अपने चैनल चेल्सी जुडिशल में स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल में उन लोगों के लिए जो लोग जुडिशल सर्विसेज या यूपीएससी लॉ ऑप्शन रखते हुए या दूसरे लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हर रोज़ किसी टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और पढ़ाया भी जाता है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेस पे फुल फैसिलिटी, टॉप क्लास फैसिलिटी के साथ बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप सीएलसी के फ्री सर्विस से जुड़ना चाहते हैं, हर रोज़ एक क्वेश्चन पाना चाहते हैं, उनका आंसर जानना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, मेंस राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको सीएलसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये सीएलसी की पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। तो चलिए आइए अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का एनोमलस मॉर्गेज, ये पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने और 5 वीडियोज बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे पार्ट 6 तक। उन वीडियोज को आप देखेंगे तो जो तमाम तरह के मॉर्गेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। आज का ये सीरीज 6ठा सीरीज है जिसपे एनोमलस मॉर्गेज को हम लोग जानेंगे। तो एनोमलस मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 58G में, एनोमलस मॉर्गेज। तो ये डिफिनीशन है, मैं ये डिफिनीशन सेलेक्टेड किया हुआ है, ये टेक्स्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पर। तो ए मॉर्गेज विच इज नॉट ए सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, एन यूजी ऑफ द एक्चुअरी मॉर्गेज, एन इंग्लिश मॉर्गेज और ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड एन एनोमलस मॉर्गेज। तो आप देखेंगे मॉर्गेज जब इमूवेबल प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए गिरवी रखी जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉर्गेज कहते हैं। ये मॉर्गेज आपका सिंपल मॉर्गेज है जिसे पार्ट 1 में बताया गया है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल वीडियो सीरीज का पार्ट 2 में बताया गया है, यूजी स्ट्रक्चरी मॉर्गेज वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में बताया गया, इंग्लिश मॉर्गेज वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में बताया गया है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट डीड पार्ट वीडियो सीरीज पार्ट 5 में बताया गया, और ये 6ठा एनोमलस मॉर्गेज। तो ये जो सिंपल, कंडीशनल, यूजफ्रैक्ट, इंग्लिश, इक्विटेबल, जो मॉर्गेज इनमें से किसी भी कैटेगरी में ना हो, ये बेसिकली एनोमलस मॉर्गेज दो या दो से ज़्यादा मॉर्गेज का कम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इसे एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि पार्टीज आर फ्री टू सेट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मॉर्गेज में भी एग्रीमेंट है, लोन देना, लोन लेना, ब्याज देना, ब्याज लेना, तो मॉर्गेज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही पूरा करने के लिए टीपीए जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा करता है। टीपीए में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट हैं, ये मैं एकेडमिक पर्पज से आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो पार्टीज आर फ्री टू सेटल द टर्म्स, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि सेक्शन 58 में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है कि सिर्फ इतने ही तरह का मॉर्गेज होगा और बाकी तरह का मॉर्गेज नहीं होगा। एनी ट्रांजैक्शन इन विच एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो जो पार्टीज का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो डिसाइड करता है मॉर्गेज के टाइप को। तो पार्टी अपने टर्म्स कंडीशंस को अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इलीगल ना हो। तो एनोमलस मॉर्गेज का बहुत सिंपल था, जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन या अपने आप में एक नए तरह का मॉर्गेज, तो ऐसे मॉर्गेज को हम लोग एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। कस्टमरी मॉर्गेज, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनोमलस मॉर्गेज। इसमें स्पेशल इंसिडेंट्स आर अटैच्ड एज पर लोकल लॉज, कस्टम, एज पर पार्टी चॉइस। तो कुछ पर्टिकुलर मॉर्गेज जो है
लोकल कस्टम में भी मिलते हैं, उन सबों में इसेंशियल फीचर अब मोर्टगेज होता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर मालाबार में आप देखेंगे, कानून ओटी जो है एनोमलस मोर्टगेज का एग्जांपल है, 12 साल से पहले आप उसे रिडीम नहीं कर सकते। कानून मोर्टगेज भी है, वो लीज भी है, और यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज भी है, परवर्थम भी है मोर्टगेज मालाबार में, ये भी एनोमलस मोर्टगेज का एक एग्जांपल है। उसके बाद सैन मोर्टगेज है, गुजरात में है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनोमलस मोर्टगेज। एनोमलस मोर्टगेज का अगला एग्जांपल मोर्टगेज यूजी फ्रैक्चरी बाय कंडीशनल सेल, तो यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज का कम्बिनेशन हो और मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इन दोनों का कम्बिनेशन हो तो उसे हम लोग यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज कहते हैं। यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज आप वीडियो सीरीज पार्ट 3 में देखेंगे और मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल वीडियो सीरीज पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये दोनों को मिला के अब जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके बीच में एक ऑस्टेंसिबल सेल हुआ, मैंने आपसे पैसा उधार लिया, और हमारे आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं इतने 2 साल के अंतर्गत आपका पैसा वापस कर दूंगा, अगर नहीं पैसा वापस किया तो ये पार्टी आपकी हो जाएगी, एक दिखावे के लिए सेल कर दिया, तो ये हो गया मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, दिस इज नंबर 1। हमने उस पार्टी का पोजीशन आपको दे दिया टू यूज एंड एंजॉय द यूजी फ्रैक्चर, तो ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल भी है और यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज दोनों का कम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोर्टगेज यूजी फ्रैक्चरी बाय कंडीशनल सेल, दो मोर्टगेज का कम्बिनेशन। एक इसमें केस है वादी पार्थी वर्सेज अपाल नारा सिम्हुलू का, इसमें यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज मोर्टगेज वॉज यूजी फ्रैक्चरी, क्योंकि रेंट और बेनिफिट यूजी फ्रैक्चर जो है इट वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट, और पार्टी के बीच में ये भी एग्री हुआ कि प्रिंसिपल मनी जो है 5 सालों में पे कर दिया जाएगा, अगर पे नहीं किया जाएगा तो द मोर्टगेज वॉज टू वर्क आउट इन टू ए सेल एट एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर। तो ये यूजी फ्रैक्ट और मोर्टगेज बाई कंडीशनल सेल दोनों का कम्बिनेशन हो गया, और इस केस में यही हेल्ड किया गया। मोर्टगेज का जो अगला एग्जांपल है ये एनोमलस मोर्टगेज का सिंपल मोर्टगेज यूजी फ्रैक्चरी, इसमें भी सिंपल मोर्टगेज होगा और यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज होगा, स्पेशल कैटेगरी का ये मोर्टगेज होता है, सिंपल कम्बिनेशन ऑफ सिंपल मोर्टगेज एंड यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ सिंपल मोर्टगेज और यूजी फ्रैक्चरी मोर्टगेज। मैंने आपसे उधार लिया, मेरी पर्सनल लायबिलिटी है, सिंपल मोर्टगेज के तमाम इंग्रेडिएंट फुलफिल होते हैं, मेरा एक फ्लैट है, मैंने आपको गिरवी रख दिया कि भैया ब्याज का पैसा इस फ्लैट के किराए से आप काटिएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका वो अमाउंट मैं 2 साल में आपको पे कर दूंगा, अगर 2 साल में मैं आपको पे नहीं करता हूं तो ये ऑस्टेंसिबल सेल कर दिया है उस पार्टी का आपके फेवर में, मेकिंग इट मोर्टगेज बाई कंडीशनल सेल। या इसको वैसे हम लोग लेते हैं कि हमारे आपके बीच में एक सिंपल मोर्टगेज हुआ और मैंने वो पट्टी आपके जो पट्टी गिरवी रखी है वो पट्टी आपको पोजेशन दे दिया ताकि आप उसका यूजी फ्रैक्चर यूटिलाइज कर सकें, तो ये मोर्टगेज सिंपल मोर्टगेज यूजी फ्रैक्चुअली कहा जाएगा, दो मोर्टगेज का कम्बिनेशन हो गया। तो इसमें ये मिक्सचर ऑफ टू और मोर मोर्टगेज होता है एनोमलस मोर्टगेज। तो मेंस का क्वेश्चन देखिए, मेंस जो है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये एक इशू होता है कि आप मेंस में अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे कर सकें, क्या लिखें, कैसे लिखें। तो नंबर 1, मेंस में अच्छे स्कोर के लिए आपके पास कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट अगर है ही नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, कंटेंट होना चाहिए, प्लस लिखने के लिए कंटेंट की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपके पास, और जब ये दोनों है तो इसका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपका रैंक तय हो सकता है। इन सारे चीज़ों से ये धीरे धीरे आप कंटिन्यूस इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। इसके लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है।
तो अब हम लोग विथ दीज इनपुट्स आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. द मोर्टगेज, आई एम नाउ रीडिंग दिस क्वेश्चन. ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 179. ऐसे क्वेश्चंस आप रोज, अगर आपको चाहिए तो सीएलसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये प्योरली एकेडमिक ग्रुप है. इस ग्रुप में नथिंग अदर देन स्टडी इज अलाउड टू बी पोस्टेड. तो आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें. ये फ्री सर्विस के अंतर्गत है, इसका कोई चार्ज नहीं है. कुछ ना कुछ जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल, ये मददगार साबित हो सकती हैं. तो अब मैं पढ़ता हूँ आज का क्वेश्चन. द मोर्टगेज डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मोर्टगेजर टू पे अप अमाउंट ड्यू विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इट शैल बी ओपन टू द मोर्टगेजी टू रिकवर द सेम बाय सेल ऑफ द मोर्टगेज पार्टी. तो ये जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन, ये पोर्शन आपका हो गया मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का. दूसरा है द मोर्टगेज डीड ऑल्सो प्रोवाइड दैट मोर्टगेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू रियलाइज रेंट्स फ्रॉम शॉप सिचुएटेड इन द शॉप प्रॉपर्टी. तो ये आपका जो है, ये एग्जांपल आपका हो गया यूजफ्रक्चुअरी मोर्टगेज का. तो ये दो मोर्टगेज का कम्बिनेशन हो गया, तो इसलिए इसे एनोमलस मोर्टगेज कहेंगे. कंडीशनल सेल प्लस यूजफ्रक्चुअरी मोर्टगेज, तो इसमें पहला ऑप्शन सही नहीं होगा. ये दूसरा ऑप्शन दोनों आ रहा, यूजफ्रक्चुअरी एंड कंडीशनल सेल. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो देयरफॉर दिस वन इज द करेक्ट आंसर बी. अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो मेंस का सब्जेक्ट मैटर है. डिस्कस द टाइप्स ऑफ एनोमलस मोर्टगेज. ये देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो एनोमलस मोर्टगेज 58G को आपको एक्सप्लेन करना है. थोड़ा सा इंट्रो पैरा में, मोर्टगेज क्या होता है. व्हेनेवर एन इमूवेबल पार्टी इज ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, द ट्रांजैक्शन इज नोन एज मोर्टगेज. और आप सीक्वेंस में जो अभी आपको बताया गया उसको एक्सप्लेन कीजिए. जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का 13 मार्क्स का, इसमें एक फैक्चुअल सिचुएशन दिया हुआ. रवि बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली to repay his debt to B and hands over him his agricultural land to realize the debt amount with interest. तो रवि जो बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू बी, तो ये पार्ट हो गया आपका एग्जाम्पल, हाईलाइट कर दूं मैं, ये हो गया आपका एग्जाम्पल सिंपल मोर्टगेज का. हैंडिंग ओवर एग्रीकल्चर लैंड टू रियलाइज द डेट विथ इंटरेस्ट. तो ये जो पार्ट है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया. इसको मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँ इससे. तो ये जो सेकेंड वाला जो ग्रीन लेटर में आप देख रहे हैं, ये पार्ट हो गया यूजफ्रैक्चुअरी मोर्टगेज का. और कैन दिस टाइप ऑफ मोर्टगेज लॉफुली बी क्रिएटेड, ये एक अगला पार्ट है 13 मार्च में. इसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ. तो 13 मार्क्स में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है. तो आप इसमें लिखेंगे कि इनटू द गिवन क्वेश्चन रवि बाइंडिंग हिमसेल्फ पर्सनली टू दी पे द डेट, दर इज पर्सनल एब्लिगेशन एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मोर्टगेज. अब थोड़ा सा सिंपल मोर्टगेज को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका अच्छा आंसर हो जाएगा, टू द पॉइंट. दूसरा जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द फैक्चुअल गिवन क्वेश्चन कि सो फार एज हैंडिंग ओवर एग्रीकल्चर लैंड टू रियलाइज द डेट अमाउंट विथ इंटरेस्ट. तो यूजफ्रैक्ट, आप यूजफ्रैक्चुअली मोर्टगेज के बारे में बताइए और देयरफॉर आप लिखिए कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजफ्रैक्चुअली मोर्टगेज. तो सिंस इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोर्टगेज, दैट इज सिंपल मोर्टगेज प्लस यूजफ्रैक्चुअली मोर्टगेज, देयरफॉर इट इज एन एनोमलस मोर्टगेज. तो ये कंटेंट आपका प्रॉपर कंटेंट है, इसको आप सीक्वेंस में लिखें तो आपका यह एक बेहतर आंसर हो सकता है. जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ, कैन दिस टाइप ऑफ मोर्टगेज लॉफुली क्रिएटेड, इसके बारे में भी आपको लिखना है. तो यस, इट कैन बी क्रिएटेड. आप बताइए, इसमें लिखिए कि मोर्टगेज
is the mutual agreement between the parties whenever an immovable party offered as security for repayment of loan. So since repayment of loan, there is an element of contract, parties are free to settle the terms of contract. So as long it is not unlawful. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कीजिए. और दूसरा, आप पहला इनपुट की पार्टीज आर फ्री टू सेटल द टर्म, और दूसरा इनपुट इसमें दीजिए कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 58 कि पार्टीज अपना टर्म म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेटल कर सकती हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकती. तो उसको एक्सप्लेन करते हुए इस पॉइंट को आप इलेबरेट कीजिए तो आपका ये बेहतरीन आंसर हो सकता है, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं. तो और मैं चर्चा यहाँ पे एक और करूँगा. ग्रुप में हमारे किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि सर बिकॉज ये टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ मोडगेज, दैट इज सिंपल एंड इजी फ्लक्चुअली मोडगेज. तो सिर्फ ये लिख देने से काम नहीं चलेगा. मेंस है, ये कंपटीशन है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आप लिख दिए और पास मार्क मिल जाएंगे. कंपटीशन में आपको आगे निकलना है. हियर ओनली द एक्सलेंस इज रिवॉर्डेड. तो अगर आपको अच्छे मार्क्स, अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. तो हाउ दिस इज सिंपल मोडगेज, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लॉ में चीज़ें साबित करनी पड़ती है. तो उसी तरीके से आंसर में भी आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा अगर आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं. तो अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो मेरे ऐसा एग्जामिनर होगा, तो आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर, आप जो भी समझें, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा. यहाँ पे आप मेरे से 100 में 200 ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है. तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको ज़रूर ध्यान देना है. तो आंसर इनका सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो मेंस में ऐसे इशूज कई बार हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा और जिसे कुछ नहीं आता था वो लिख ही नहीं सकता और उसका सिलेक्शन हो गया और आप देखते रह गए. तो अब मैं इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपके मेहनत का पसीना आपके माथे पे लिखी हुई किस्मत की लकीरों को मिटाकर इतिहास लिख सकता है. तो एनीवे मैं थोड़ा बोलता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ. आप मेंस में टू द कंटेंट, टू द पॉइंट आप लिखेंगे, बहुत अच्छे नंबर आपको आएंगे. स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपका भविष्य बने. इसके लिए CLC हमेशा प्रयासरत है. वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7/365. अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन का. फेदर एनोमलस मोडगेज आर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, क्या जवाब होगा? अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप सीधे कहेंगे यस सर इट इज एग्जिस्टेंस, पार्टीज कैन सेटल देयर टर्म. व्हेनेवर देयर इज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोर्गेज और कम्बिनेशन ऑफ सच टर्म व्हिच डू नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एनी ऑफ द मोर्गेज एक्सप्लेन्ड आइदर सिंपल, वो सारे बताइए तो यस एंड दिस इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. हमारे आपके बीच में एनोमलस मोर्गेज क्रिएट हो सकता है. तो एनीवे कल फिर किसी नए टॉपिक पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे. तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन विथ नेक्स्ट टॉपिक. मुझे उम्मीद है दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.